कोसी कला के निकटवर्ती गांव बरहना में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और फतेहपुर सीकरी के विधायक ने भाजपा के साथ कदम मिलाकर शनिवार को ओबीसी मोर्चा के ब्रज प्रदेश उपाध्यक्ष के आवास पर बूथ अध्यक्ष का स्वागत किया और भाजपा के क्रियाकलापों को सुनाया, जिसमें पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर सीकरी के विधायक उदयभान सिंह शनिवार की दोपहर कोसीकला के निकटवर्ती गांव बरहना पहुंचने पर ओबीसी मोर्चा के ब्रज प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह पोनिया के आवास पर भव्य स्वागत किया गया। गांव बरहना में पूर्व प्रधान हरफूल पोनिया ने स्वाफा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। राज्य मंत्री उदयभान सिंह ने गांव के बूथ अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। 2022 में योगी जी की पुनः वापसी कराने की बहुत आवश्यकता है। अभी हमने तिहाई रास्ता पार किया है। उत्तर प्रदेश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए ये कदम जरूरी है। गाँव वासियों को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले अन्य सरकारों पर जातिवाद में काम करने के कार्यकाल को सभी ने देखा। भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का परिवार प्रदेश की समस्त जनता है। शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री ने किसान बिल वापस लेकर विपक्ष की दुकान को बंद करा दिया और अब नया मुद्दा ढूंढने में लगे हैं। आखिर अब चुनाव कैसे लड़ा जाए? पहले विपक्ष कहता था कि राम मंदिर के निर्माण की तारीख नहीं बताएंगे, अब वो जाकर देखे, देशवासियों के सहयोग से मंदिर निर्माण हो रहा है। राज्य मंत्री ने अपने बूथों पर काम कर रहे युवाओं को दुपट्टा पहनाकर उत्साह वर्धन किया। वहीं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह पूनिया ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आत्मनिर्भर बन चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी को चाय बनाकर पिला रहे हैं। जल्द ही हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। हेलो, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य और पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते छाता विधानसभा में कुछ अपने पुराने लोगों से, पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने, बातचीत करने के उद्देश्य से चला आया और अचानक आया। ये समझने के लिए भी आया और समझाने के लिए भी आया कि भारतीय जनता पार्टी ने 75 वर्षीय स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो विकास और व्यवस्था देखी, क्या वह अपने ये पौने पांच वर्ष में वह व्यवस्था और विकास क्या उसने रिकॉर्ड तोड़ा है? और यदि रिकॉर्ड तोड़ा है शांति व्यवस्था में भी, पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था में भी और विकास में भी, और उत्तर प्रदेश वाकई सर्वोत्तम प्रदेश की ओर बढ़ा है और संपूर्ण भारत विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हुआ है। यदि ऐसा है तो हम सबको अपने आपसी मतभेद, जो जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, भोजन के आधार पर, अनेक आधार मतभेदों के आते हैं, उन सारे मतभेदों को भुला करके 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत पाने का प्रयास करना चाहिए और काम भी करना चाहिए। कल जो मोदी, मैं प्रसन्नचित्त हूँ और मुझे आज की इस गांव में, बरहारा में, जो बूथ 81 और 82 है, यही है जी 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 81 82, यहाँ मैं अमर सिंह जी जो हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है उनके आवास पर बैठ करके अनेक मित्रों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, जिम्मेदार लोगों के साथ, विशिष्ट लोगों के साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ मैं बैठा हूँ और समझा हूँ।